पर ऑर्गेनिक है, ये उस चीज़ को फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें जो पहला जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है एक ऐसी टॉपिक है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे हर साल बार बार पूछता है और इस माध्यम से इसमें देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हाइब्रिड करना। यहाँ से देखिएगा, ये हाइब्रिड करने से मतलब होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है कि पोटेंट टू ऑर्बिटल को जब इंटरमिक्सिंग जब कराते हैं तब जाकर के एक नए हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, उसी का नाम हम लोग देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन मींस का मतलब क्या चीज होता है कि इंटरमिक्सिंग फॉर मोर देन टू ऑर्बिटल्स टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में देखिएगा, जो जनरल रूप में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल आपस में जाकर के कंबाइंड होते हैं। पहला जो होता है इसमें एस ऑर्बिटल, इसके बाद आता है पी ऑर्बिटल, इसके बाद आता है डी ऑर्बिटल, और इन्हीं तीनों ऑर्बिटल को जब इंटरमिक्सिंग जब हम लोग करेंगे तब जाकर के हमको हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पहचाने के बहुत इजीली तरीका से। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग कैसे पहचानते हैं, इसमें क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में जो होता है ये हाइब्रिडाइजेशन में, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे sp3 के केस में देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड एंगल जो होता है 109.28 मिनट होता है इसमें, बॉन्ड एंगल जो होता है 1543 मीटर होता है, और यहाँ पे एक सिग्मा पोजीशन होता है, और शेप जो होता है एक होता है। सेकंड कंडीशन में देखिएगा जो आता है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो होता है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होता है, कभी भी डबल बॉन्ड होता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल जो होता है नियर अबाउट 120 डिग्री होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है 134 पिकोमीटर होता है, और जहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां पे एक पाई का एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इसका शेप जो होता है एक ट्राइगोनल पाई पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पाई पिरामिडल होता है, पाई पिरामिडल होता है। तीसरा जो कंडीशन देखिएगा इसमें sp के कंडीशन में, इसमें कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, और बॉन्ड लेंथ जो होता है 120 पिकोमीटर होता है, और यहाँ पे दो पाई एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और शेप जो होता है इसका एक लीनियर होता है। शेप क्या होता है? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सीधा सीधा होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में sp3 के केस में देखिएगा, sp3 नंबर ले लेते हैं, क्या CH2 ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है। इसमें एक कार्बन होता है और यहाँ पे 4 आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक साथ सभी अटैचमेंट होते हैं। इसमें देखिएगा ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 109.28 मीटर होता है, और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 154 पिकोमीटर होता है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे केवल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसका शेप जो होता है वो देखा गया है, पहले लिख गया यहाँ पे टेट्राहेड्रल इन नेचर का होता है। दूसरा एग्जांपल में देखिएगा, हम लोग लिखे हैं यहाँ पे sp2 के केस में, यहाँ पे C2H4 का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिएगा दो कार्बन कंपोनेंट हैं, आप दो कार्बन कंपोनेंट को आप यहाँ पे लगा दीजिए, और यहाँ से 4 आप हाइड्रोजन को भी यहाँ से आप दे दीजिए, और यहाँ पे देखा गया कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आप ऐसे करके आप खींच दीजिएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक डबल बॉन्ड हो जाता है। बॉन्ड एंगल के केस में देखिएगा, ये आपका बॉन्ड एंगल होगा, ये भी बॉन्ड एंगल, ये भी बॉन्ड एंगल, तीनों का बॉन्ड एंगल देखिएगा, एक सर्किल का बॉन्ड एंगल होता है 360 डिग्री होता है, तो ये 360 जो होता है 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट होता है यहाँ पे 120 डिग्री जाता है यहाँ पे, और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 134 पिकोमीटर
यहाँ से होता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। और यहाँ पे एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सबको आपस में मिला दीजिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद देखिए हम लोग ले लेते हैं तीसरा कंडीशन, ले लेते हैं एसपी के केस में, एसपी के केस में लोग लेते हैं सी टू एस टू ले लेते हैं। अब इसको मिटा ले लीजिए, सी टू एस टू ले लीजिए। अब इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में जब इसको हम लोग लेते हैं एसिटिलीन को, तो यहाँ पे दो कार्बन, इसका मतलब एसिटिलीन में बिल्कुल बॉन्ड होता है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल देखिएगा सेप जो होता है इसका 180 डिग्री, क्यों होता है, क्योंकि पूरे डिग्री 360 डिग्री का होता है कभी, और इसलिए 1 डिग्री जो होता है एक साइड का जो होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि सेप इसका क्या होता है, लीनियर होता है, सेप इसका क्या होता है, लीनियर होता है। तो ऐसे करके हम पूरी तरह से हम लोग परीक्षाओं के लिए हम लोग तैयारी करा सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें से आपको या तो एसपी और एसपी थ्री पूछेगा, या फिर एसपी थ्री और एसपी टू पूछेगा, या तो फिर कोई एक ही हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, और इसके बारे में कंप्लीट रूप से आप लोग चाहेंगे तो आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है।